आप लोग को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये तो आप सबको पता है सोनी S40R है, और ये जो है D100 का सब पर। तो यहाँ से ही मैं दोनों सब पर को बजाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो S40R का रिमोट है, यहाँ से ही दोनों सब पर कंट्रोल हो रही है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो वॉल्यूम लेवल दिखा रहा है 37, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो रहा है। तो ओके चलिए एक साउंड टेस्ट करते हैं, बाद में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कैसा किस तरीके से दोनों सफर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं साउंड को इंक्रीज करने वाला हूँ। आपको मैंने वीडियो में दिखाने की कोशिश किया किस तरीके से दोनों सब पर एक साथ एक ही सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं। तो बेसिकली ये होता है जिसके पास फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, और वो भी एंड्रॉयड 13 अपडेट के साथ। ब्लूटूथ में जाके आपको अपडेट करना पड़ेगा फर्मवेयर जो होता है, और बाद में जाके जो मीडिया आउटपुट है दोनों का एक साथ प्ले कर सकते हैं। सैमसंग के फ़ोन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, और भी शायद दूसरे किसी कंपनी के जो स्मार्टफोन है वहाँ पर ये फीचर्स देखने को मिलता होगा, लेकिन मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है इसलिए मैंने सैमसंग का ही बताया। तो एक साथ आप अगर आपके घर में कोई भी पुराने ऐसे सिस्टम है सॉफ्टवेयर है जो आप घर के अंदर किसी कोने में रखे हो, तो आप एक साथ दोनों का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी आ रहा है, लो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, और एक ही रिमोट से जो अच्छी बात है सोनी का, एक ही रिमोट से आप दोनों होम थिएटर को कंट्रोल कर सकते हो, अलग अलग रिमोट की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो फंक्शन ये टीवी रिमोट के साथ भी वर्क करता है, अगर आपके पास ब्राविया साइन टेक्नोलॉजी का कोई भी रिमोट है तो एक साथ काम कर जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा है, तो अगर इस तरीके से आप कोई भी दोनों सॉफ्टवेयर को एक साथ प्ले करते हो काफ़ी बढ़िया साउंड आएगा, लेकिन एक शर्त है, सिर्फ और सिर्फ सोनी का ही सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आप JBL का यूज़ करना चाहते हो तो दोनों ही JBL का होना चाहिए। तो यही जो है बेसिक इसका रिक्वायरमेंट है। आई होप ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो तब तक के लिए जय हिंद।